असलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। तो वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज मैं आपको एक इंटरेस्टिंग सी मैचिंग दिखाता हूँ, जिस कलर की आज मैंने शर्ट पहनी हुई है उस कलर का मैं आपको एक बजीज दिखाता हूँ, जो कि छोटा सा भी और उसके अंदर जो मेरी शर्ट के कलर है वो सेम टू सेम उसका कलर है। तो मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। तो ये देखे माशाल्लाह से छोटा सा बेबी है, इसका कलर चेक करें माशाल्लाह, इसका कलर बहुत ज़्यादा प्यार है। तो ये कल जो है ना बाहर निकला हुआ था मटकी में से, और इसको भी इतना खाना नहीं आता सही से, क्योंकि खुद खा नहीं सकता। तो इसको फीड भी करवाती है, इसके पेरेंट्स इसको फीड करवाते हैं। और इसको देखे, इसको चोट लग गई हुई थी, बाकी बजीज ने जो है इसको बहुत ज़्यादा काटा था, जिस वजह से इसके जो पैर सारे उतर गए हैं। तो अभी दोबारा इसके पैर आएंगे नए। ये देखते ये बिल्कुल भी जो है बाइट नहीं करता। ये देखते किसका कलर और मेरी शर्ट के कलर बिल्कुल सेम है माशाल्लाह, बहुत प्यार है, छोटा सा भी बिल्कुल छोटा सा। इसका कलर जो मेरी शर्ट के साथ मैच नहीं हो रहा, क्योंकि मेरी शर्ट का कलर जो डार्क है और उसका जो लाइट कलर है, जबकि इसका देखिए इसका भी जो डार्क कलर है और मेरी शर्ट का भी जो डार्क कलर है देखिए। और ये जो बस मुझे देख उछलता रहता है, कभी नीचे कभी ऊपर। अब इसको जो बिस्किट डालते हैं, बिस्किट बहुत ज़्यादा शौक से खाता है, हालांकि अंडा जो इतने ज़्यादा शौक से नहीं खाता जितने ज़्यादा बिस्किट जो शौक से खाते हैं इसको। तो इसको बिस्किट जो क्रश करके डालते हैं। और इसके लिए देखिए मैंने स्पेशल बिस्किट का एक पैकेट ला कर रखा होता है, जो कि इसको रोज़ नाश्ते में मिलता है। कि जो ब्रेकफास्ट है सुबह बिस्किट का करता है, और दोपहर को जो है दाना खाता है, और शाम को भी इसको दाना ही मिलता है। तो अगर सुबह के टाइम अगर बॉयल एग हो, अभी तो रमज़ान चल रहा है, मैंने इसको जो है थोड़ा सा बॉयल एग जो वो भी डाल देता होता था, लेकिन अब क्योंकि रमज़ान नहीं चल रहा और बिस्किट जो है शौक से खाना शुरू हो गया, तो मैं इसके लिए जो बिस्किट ले आता होता हूँ। ज़्यादातर ये बिस्किट जो है रियो या फिर ओरियो बिस्किट जो है ये बहुत शौक से खाता है। क्रीम जो मैं उतार देता होता हूँ, और इस ऊपर बिस्किट पता नहीं क्यों इतने शौक से नहीं खाता, वो खाते ही नहीं, थोड़ा सा खाता है फिर ऊपर जाके बैठ जाता है। रियो और जो ओरियो बिस्किट बहुत ज़्यादा शौक से खाता है माशाल्लाह। बिस्किट जो क्रश करके डालते हैं, और ये बहुत शौक से खाएगा। हमारे जो पैरट्स हैं बजीज वो नहीं इतने शौक से खाते, लेकिन ये बहुत शौक से खाता है माशाल्लाह। बिल्कुल छोटे छोटे पीस करके डालो फिर इजीली खा लेता है। अभी देखे कैसे उछल रहा है, देखे देख कैसे रहा है, अभी देखें नीचे आएगा, देखें ये देखे देख रहा है, टेढ़ा मुंह कर करके देख रहा है, इसको पता चल गया कि बिस्किट डालने लगे हैं। ये देख नीचे आ गया, भूखे तुम्हें देने लगा हूँ, ये लो। अब इसको ना देखे मैंने क्रश कर लिए, अब इसको जो है ना डालते हैं। ये देखिए कितने ज़्यादा शौक से खा रहा है माशाल्लाह बिस्किट। ये देखे छोटे छोटे पीसेस कर रहा है, हालांकि मैंने छोटे पीसेस किए फिर भी छोटे छोटे चूँ की मैं से पीसेस करता फिर अंदर लेके जाता है। ये देखे वाह यार बहुत प्यारा माशाल्लाह दिखता है। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है तो उसमें मैंने आपको दिखाया था कि हमारी एक फीमेल बजीर ने जो है तकरीबन कोई 7-8 अंडे दिए हुए थे। अब उसमें से कोई हैच नहीं, और मुझे लगता है शायद अंडे ख़राब है, एक दफ़ा चेक कर लेते हैं कि कहीं वो सारे उसके एग से वो इनफर्टाइल तो नहीं है, या फिर कहीं बच्चों के अंदर डेथ तो नहीं होगी, या हो सकता है कि बच्चे अभी बन रहे हो और लेट निकलें, तो अभी चेक करके देखते हैं। तो अब हमने इस वाली फीमेल के जो एग्स को चेक करने के, कहीं इसने इनफर्टाइल एग्स तो नहीं दिए हुए, या फिर इसके एग्स में बच्चे जो मर तो नहीं गए। तो अभी देखिए फीमेल जो बाहर निकल आएगी, और इसका जो मेल है वो ग्रीन वाला जो सर पे बैठा हुआ है, तो अभी ये बाहर निकलती है, इसके बाद इसके जो है ना एग्स सारे निकालते हैं। तो फीमेल जो बाहर निकल आई है, तो ऐसा करते हैं कि इसकी मटकी जो है उतार लेते हैं। यहाँ देखिए मैंने पीछे नेल के साथ जो है लगाई हुई है इसकी मटकी, तो अब इसकी मटकी जो है ना उतार लेते हैं, और ईजिली नीचे रख के देखते हैं कि इसके अंडे क्या पता ख़राब है या जो भी मसला है। तो अब हमने जो मटकी उतार ली है, अब देखिए इसके माशाल्लाह से एग इसके 2, 4, 5 अंडे हैं। तो लेकिन इसके तो 7-8 अंडे थे, पता नहीं इसने शायद खा लिए खुद ही। वायल की टॉर्च ऑन करते हैं और इसके एग्स को रख के देखते हैं कि क्या पता है कहीं अंडे ख़राब तो ना हो। और इसने देखे मटीरियल काफ़ी ज़्यादा जमा किया हुआ है मटकी के अंदर, जैसे काफ़ी ज़्यादा मटीरियल है। तो अब इसके एग्स को मैं सारे निकाल लेते हैं एक बार में, और फिर इसको मोबाइल के टॉर्च की मदद से चेक करते हैं। ये देखिए मैंने सारे अंडे निकाल लिए इसके, और ये काफ़ी मुझे ना कुछ हल्के हल्के महसूस हो रहे हैं। तो एक दफ़ा चेक इसको देखें, इस पर थोड़ा सा क्रैक आया हुआ है, ये देखिए अगर आपको सही से नज़र आ रहा हो, फोकस नहीं हो रहा है, ये देखें हल्का सा ना क्रैक आया हुआ है। तो इसको भी एक दफ़ा चेक करते हैं। टॉर्च ऑन कर लिए मोबाइल की, अब एक एक अंडे को रखते हैं और फिर चेक करते हैं कि ये जो है ना देखें इस एग का कलर जो येलो है, यानी कि ये इनफर्टाइल एग है, ये फर्टाइल बिल्कुल भी नहीं है। आपको अगर सही से नज़र आ रहा हो, ये बिल्कुल जो एग है वो येलो नज़र आ रहा है, लेकिन इसमें आपको वाइट नज़र आ रहा होगा, मुझे यहाँ पे येलो फील हो रहा है। तो इसका मतलब ये एग जो है ये इनफर्टाइल एग है,
तो अब इसका मतलब ये भी हो सकता है कि क्या पता ये एग इनफर्टाइल हो, या फिर अभी नया नया इसने एग ले किया हो, यानी कि न्यूली एग हो, तब इस पर इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। अब दूसरा एग रख के उसको देखते हैं कि ये क्या है। ये भी जो है येलो है, यानी कि इसका भी कुछ इसी तरह का मामला है। तीसरा एग जो उसको रख के देखते हैं कि क्या पता ये भी, या ये सारे एग ऐसे ही नज़र आ रहे हैं। नहीं, इसमें यानी कि रेडनेस बिल्कुल भी नहीं है इस एग में है। ये देखें सही से नज़र नहीं आ रहा इसमें, लेकिन इस एग में जो है ना रेडनेस है, यानी कि ये जो एग है ये बिल्कुल सही है। और इसमें जो है ना चिक की डेवलपमेंट हो रही है, और इस क्योंकि जब एग रेड होता है उसका मतलब होता है ब्लड है इसमें, यानी कि ये वाला एग जो है बिल्कुल सही है। इसको हम साइड पर रख देते हैं, और अब हम दूसरे वाले एग को चेक करते हैं। और इसकी भी यही कंडीशन है कि ये जो एग है ये भी येलो नज़र आ रहा है। जो एग है इसमें जो है बच्चा बनना शुरू हो गया, यानी कि अभी तकरीबन कोई एक हफ्ते से कम इसकी एज है इस एग की डेवलपमेंट आप कह सकते हैं। इसका भी वही कंडीशन है कि इसकी ये देखें योक इस साइड पे है, और पीछे जो है एग है ये वाइट है, तो इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। ये या फिर न्यू होगा या फिर ये जो है वो इनफर्टाइल एग जिसे हम कहेंगे वो होगा, ये कंफर्म है। मेरे ख्याल से न्यू भी हो सकते हैं, क्योंकि वैसे इसने एग तो इसको काफ़ी देर हो चुकी है दिए हुए, तो अगर हम इस सूरत हाल के मुताबिक फ़ैसला करें तो ये एग हम कह सकते हैं कि इनफर्टाइल एग्स हैं। तो अब काफ़ी देर होगी मैंने इस वाली फीमेल के जो प्रोग्रेस है वो नहीं देखी, तो अभी चेक करते हैं कि इसके कितने इसने चिक्स को हैच कर लिया, और कितने भी इसके जो हैच होने वाले रहते हैं। तो जल्दी से देख, यहाँ से पहले इसके केज का जो लॉक खोलते हैं, और माशाल्लाह देखें इसके जो है तकरीबन 3 या 4 बच्चे हैं माशाल्लाह। और देखें मैंने जैसा कि आपको पहले भी बताया था कि इसने रेड आइज जो चिक्स निकाले होते हैं, और देखिए इसका जो एक जो चिक है, एक जो इसका बेबी है वो रेड आया है माशाल्लाह, और बाकी जो दो है वो ब्लैक आए हैं, और जो रेड है वो देखें वो फिर इसने जो है प्योर वाइट कलर का हैच किया हुआ है माशाल्लाह, और फीड भी अच्छी से करवाई हुई है, और इसके कोई भी जो एग है वो हैच होने वाला नहीं रहता, और सारे जो माशाल्लाह सारे इस दफ़ा जो वाइट कलर के बच्चे निकले हैं माशाल्लाह। वाह, मुझे लगता है क्या पता इसके शायद ना उस साइड पे भी कोई एक दो बच्चा हो, शायद हो भी सकता है, लेकिन अभी ये बैठी हुई इसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे।